गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज हम पॉलिटी की PYQ सेकंड लेके आपके सामने आए हैं। और बच्चों, जो PYQ सेकंड है वो क्वेश्चन हमारे 2016 से रिलेटेड है, यानी कि 2016 के फास्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे वो आज हम करेंगे। तो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम लेते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है NDA 2016 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, बच्चों ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है क्या, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इट्स कंटेंट इज नॉट करेक्टली मैचड। भाई इन्होंने क्या पूछा कि करेक्टली मैचड नहीं है। अब देखो, जो मैच है, अगर इसी क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट किया जाए, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन आए तो हो सकता है वो पूछ ले कि कौन से पेयर मैच है। अभी इन्होंने नोट करेक्ट पूछा, अगली बार करेक्ट पूछ ले। यानी कि बच्चों, ज्यादातर चांसेस क्या रहते हैं, जो PYQ होते हैं वो क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को थोड़ा सा उनकी स्टेटमेंट चेंज करके आपसे दोबारा से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, हम पहले क्वेश्चन का आंसर लेते हैं कि इनमें कौन सा पेयर करेक्ट नहीं है। बच्चों, 8th शेड्यूल लैंग्वेज से रिलेटेड है, ये तो बिल्कुल पेयर है भाई। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या रहेगा, राइट रहेगा। बट बच्चों, इसमें क्या पूछा गया है, इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा गया। इसके बाद हम फोर्थ शेड्यूल पे चलते हैं, एक बार सेकंड को छोड़ देते हैं, तो फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ शेड्यूल, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। भाई काउंसिल ऑफ स्टेट की सीटें दी गई है फोर्थ शेड्यूल में, तो ये भी हमारा बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। इसके बाद बच्चों, 10th शेड्यूल, प्रोविजन सेज ए डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। बच्चों ये भी हमारा मैच करता है 10th शेड्यूल का। तो बच्चों, हमारा नोट करेक्ट कौन सा रहेगा, नोट करेक्ट हमारा आंसर रहेगा बी। अब बी में क्या दिया गया, सेकंड शेड्यूल द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन। भाई इन्होंने बोला कि ओथ, शपथ लेने का सिस्टम सेकंड शेड्यूल में दिया गया, जो कि बच्चों नहीं दिया गया सेकंड शेड्यूल में। तो आपका राइट ऑप्शन क्या रहेगा, सेकंड रहेगा। इसी टाइप से बच्चों, हो सकता है अगली बार यहां पे इज नॉट करेक्ट की जगह करेक्ट पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, इन तीन को सही करना है और एक को गलत कर देना। तो बच्चों, क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है वो इसी तरीके से, स्टेटमेंट चेंज करके रिपीट किया जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये भी बच्चों एनडीए 2016 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन है क्या, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। भाई पहले इन स्टेटमेंट्स को पढ़ो और इसके बाद इन स्टेटमेंट में कौन सी स्टेटमेंट, अब देखते हैं विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबो इज आर करेक्ट। इन्होंने पूछा कौन सी स्टेटमेंट इन दोनों में से करेक्ट है। अब करेक्ट स्टेटमेंट की बात की जा रही है बच्चों, तो करेक्ट स्टेटमेंट हम इसमें से देखते हैं कि इनमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहला ऑप्शन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एम्पावर द पार्लियामेंट ऑफ फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड टू अल्टर द एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट बाय पासिंग ए रेजोल्यूशन इन सिंपल मेजोरिटी। भाई सिंपल सा, कि अगर सेंटर को कोई नई स्टेट बनानी हो, जिस प्रकार मान लो उत्तर प्रदेश है और हमारी पार्लियामेंट चाहती है कि उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांट दिया जाए, और चार हिस्सों में बांट दिया जाए तो उसे बच्चों सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की जरूरत होती है। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है जितने सदस्य सदन में उपस्थित है उनमें आधे से अधिक उस पर मतदान कर दे, सिंपल मेजोरिटी हो गई। और सिंपल मेजोरिटी के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट को ब्रेक किया जा सकता है, एक स्टेट से दो स्टेट बनाई जा सकती है, एक स्टेट से तीन स्टेट बनाई जा सकती है, या तीन स्टेट को मिला के एक स्टेट बनाया जा सकता है। तो बच्चों सिंपल मेजोरिटी से इसको पास किया जा सकता है, इस रिजोल्यूशन को। तो हमारी पहली स्टेटमेंट क्या रहेगी, यहां पे राइट रहेगी। इसके बाद बच्चों सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस अंडर द आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई इन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की सीमाओं को बदलने का अधिकार हमें कौन सा आर्टिकल देता है, 370 देता है। अब देखो इन्होंने क्या बोल रखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया है। भाई विशेष दर्जा दिया गया था, लेकिन अब 370 को क्या कर दिया गया, ब्रेक कर दिया गया। तो बच्चों पहले अगर 370 को ब्रेक ना करने से पहले इसका क्वेश्चन आता तो इसका राइट ऑप्शन होता सी, लेकिन अभी 2020 में 370 को ब्रेक कर दिया, नरेंद्र मोदी सरकार ने ब्रेक कर दिया, तो अब जम्मू कश्मीर की स्थिति भी वैसी हो गई जैसे हरियाणा पंजाब राजस्थान हिमाचल प्रदेश यूपी की स्थिति है। तो अब उसकी बाउंड्रीज को भी हम चेंज कर सकते हैं सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। तो बच्चों अब इसका ऑप्शन
दो आपका पूरी तरह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ए रहेगा। लेकिन बच्चों अगर 370 ब्रेक ना किया होता, ना तोड़ा होता, तो फिर इसका राइट आंसर क्या रहता, सी रहता। यानी कि इसमें आपको देखना है कि 370 अभी ब्रेक कर दिया, ये क्वेश्चन कब का है, 2016 का है, तो 2016 के बाद 370 को तोड़ा गया, लेकिन 2016 में इसका राइट आंसर क्या था बच्चों, 2016 में इसका राइट आंसर आपका सी रहेगा। लेकिन अभी जब हम 2023 की बात कर रहे हैं, 2023 की बात कर रहे हैं, तो इसका राइट आंसर ए रहेगा। तो अब बच्चों हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऐसा ही क्वेश्चन फिर से रिपीट किया जाए, या इसकी स्टेटमेंट चेंज करके रिपीट किया जाए, तो ये आपको स्टेटमेंट देख के पता चल सकता है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बच्चों एनडीए 2016 फास्ट से रिलेटेड है, यानी कि एनडीए 2016 के अप्रैल एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा मे रिजाइन हिज ऑफिस बाय रिटन एड्रेस टू। भाई लोकसभा के अध्यक्ष को संबोधित लिखित रूप से अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। भाई इस्तीफा किस प्रकार देगा, और लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो किसको अपना इस्तीफा देगा। अब इसमें ऑप्शन दिए गए हैं। अब बच्चों लोकसभा का अध्यक्ष प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई नहीं देगा, भारत के राष्ट्रपति को नहीं देगा। भारत के राष्ट्रपति को कौन इस्तीफा देगा, अगर भारत के राष्ट्रपति की बात की जाए तो भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का जज, यानी कि जो हमारी सीनियर जुडिशरी होती है, उसका जज राष्ट्रपति को संबोधित अपना इस्तीफा दे सकता है। अब दूसरा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बच्चों ये भी बिल्कुल गलत है। तीसरा वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई वॉइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, तो वॉइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी पूरी तरह गलत है। डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो बच्चों ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, देखो स्पीकर के बाद दूसरा पद किसका आता है, डिप्टी स्पीकर का। जब स्पीकर किसी कारणवश उपस्थित नहीं रहेगा तो लोकसभा की कार्रवाई को कौन आगे बढ़ाएगा, डिप्टी स्पीकर आगे बढ़ाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डिप्टी स्पीकर रहेगा। इज दैट क्लियर बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द इलेक्शन कमीशन, द इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज ए पॉलिटिकल पार्टी एज ए नेशनल पार्टी इफ, भाई चुनाव आयोग एक राजनीतिक दल को एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता देता है यदि उसके पास कुछ शर्तें हो, यानी कि उसके पास कुछ चीजें अवेलेबल हो। अब भाई इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं, इसकी जब हम बात करते हैं कि इसके पास क्या क्या शर्तें हैं बच्चों, तो हमारे सामने निकल के आती है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट को हम देखते हैं। भाई इट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स पोलिड इन 4 और मोर स्टेट इन ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा और टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई सिंपल सी स्टेटमेंट है कि जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, देखो हमारे बच्चों यहां पे कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं, तो अगर बड़े लेवल पे बात की जाए तो एक तो लोकसभा का इलेक्शन होता है जिसमें हम किसको चुनते हैं, प्रधानमंत्री को चुनते हैं, यानी कि हम अपना सांसद बनाते हैं, और दूसरा होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि एमएलए का इलेक्शन, एक एमपी का इलेक्शन, एक एमएलए का इलेक्शन। और जो एमएलए का इलेक्शन होता है बच्चों वो स्टेट का इलेक्शन होता है, यानी कि स्टेट में चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, मुख्यमंत्री बनाया जाता है। तो बच्चों इन्होंने क्या कहा कि एट लीस्ट 6% वोट उसे मिलना चाहिए, यानी कि अगर उसके पास 6% वोट है किसी भी पार्टी के पास तो वो नेशनल पार्टी बन सकती है, अगर उसे इलेक्शन में 6% वोट मिला है तो। तो बच्चों ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, 6% वोट होना चाहिए। दूसरी स्टेटमेंट, इट विंस एटलीस्ट 4 सीट इन ए जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और एनी स्टेटस। भाई इन्होंने बोला कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, उसमें चाहे तो एक स्टेट में उसे 4 सीट आए, चाहे 2, 3 या 4 स्टेट या 10 स्टेट मिला के भी उसे 4 सीट आए, तो वो क्या बन सकती है, नेशनल पार्टी बन सकती है। अब बच्चों जैसे अभी की बात करें, अभी कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी बनी, तो आम आदमी पार्टी अब नेशनल पार्टी हो चुकी है, क्योंकि इस पार्टी की दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ पंजाब में सरकार है, और इसके 6 से 7 सांसद भी जीते हुए, जिसकी वजह से देखो इसने दोनों ही स्टेटमेंट को सही कर दिया, और आम आदमी पार्टी आज के समय में क्या बन गई, नेशनल पार्टी बन गई। तो बच्चों इसका आंसर क्या रहेगा, देखो दोनों सही है तो बोथ ए एंड टू,
यानी कि दोनों ही चीजें आपकी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं कि क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बच्चों एनडीए 2016 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है और एनडीए 2016 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इन्होंने पूछ लिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे की दो स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बाद इज आर करेक्ट। यहां पे देखो बच्चों इन्होंने क्या दिया, विचार करें और कौन सा कथन सही है, यानी कि हमें सही ऑप्शन को चूज करना है। और बच्चों अगर सही ऑप्शन को चूज करना है तो अब हम देखते हैं कि हमारा सही ऑप्शन इसमें निकल के क्या आता है। पहले हम स्टेटमेंट लेते हैं, द अमेंडमेंट प्रोसीड्यूर हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 368 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई भारत के संविधान को या संविधान को जब बनाया गया तो उसमें एक आर्टिकल लिया गया 368, और इस आर्टिकल के तहत बच्चों तीन टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी, मल्टीपल मेजोरिटी प्लस स्टेट मेजोरिटी, यानी कि तीन टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पे किए जा सकते हैं। तो बच्चों आर्टिकल 368 क्या देता है, संविधान को पावर देता है कि संविधान को बदलने की। बच्चों जब संविधान बनाया गया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि हो सकता है ये संविधान उस समय के लिए सही हो और आगे आने वाली जनरेशन को या आगे आने वाले समाज को इन कानूनों में बदलाव करने की जरूरत पड़े। और भाई अगर कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड पूरी तरह कठोर बना दिया जाता और आर्टिकल 368 ना लिया जाता तो फिर हम आगे नए कानून किस प्रकार पास करते या कोई नया आर्टिकल किस प्रकार ऐड करते। तो बच्चों संविधान ने अपने अंदर ही एक व्यवस्था दे दी जिसको बोलते हैं आर्टिकल 368, कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जा सकता है। दूसरी स्टेटमेंट बच्चों, द कंसेंट ऑफ द स्टेट इज मैंडेटरी ऑफ ऑल अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट और नॉट करेक्ट। भाई मैंने बताया कि तीन टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं और इसमें सेकंड स्टेटमेंट में क्या दिया गया, सेकंड स्टेटमेंट में दिया गया कि क्या सभी स्टेट की अनुमति जरूरी है हर टाइप के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए। बच्चों देखो हमने जब पहला क्वेश्चन किया तो पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि स्टेट की बाउंड्रीज को सेंटर जब चाहे घटा सकता है बढ़ा सकता है, एक स्टेट को ब्रेक करके चार स्टेट बना सकता है, चार स्टेटों को मिला के एक स्टेट बना सकता है, तो स्टेट की तो कोई वैल्यू रही नहीं। यानी कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग स्टेट की वैल्यू आती है जब सेंटर के ढांचे को ब्रेक किया जाए या सेंटर के ढांचे में कोई बदलाव किया जाए। तो बच्चों ये स्टेटमेंट हमारी पूरी तरह गलत रहती है कि हर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए स्टेट की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब स्टेट से रिलेटेड कोई विषय होता है या फिर सेंटर से रिलेटेड कोई विषय होता है और वो पूरी तरह देश को प्रभावित करता है जिसमें कि सभी स्टेट आती है तो उस विषय पे स्टेट की मेजोरिटी होना जरूरी है। यानी कि अगर हमारे यहां पे 28 स्टेट है तो 15 स्टेट की वेरिफिकेशन जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के लिए। लेकिन बच्चों यहां पे सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरह गलत होता है। तो अब राइट ऑप्शन चूज करते हैं हम। देखो इन्होंने इज आर करेक्ट पूछा तो इज आर करेक्ट पूछेंगे तो ओनली वन, और हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये पूछ ले नॉट करेक्ट कि कौन सा सही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे, टू पे चले जाओगे, दो सही नहीं है एक सही है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जिसको केग बोलते हैं ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। भाई केग से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और ये क्वेश्चन कब का है, एनडीए 2016 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। एनडीए 2016 फास्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों। अब हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है, द कैन अटेंड इन द सीटिंग ऑफ द कमेटी ऑफ पब्लिक अकाउंट। भाई लोक लेखा समिति जो होती है उसकी सभी बैठकों में पार्टिसिपेट कर सकता है, भाग ले सकता है, तो यह स्टेटमेंट तो बिल्कुल राइट है। इसके बाद द केक कैन अटेंड द सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा।
भाई क्या केग राज्यसभा और लोकसभा की सीटिंग में भी भाग ले सकता है? तो बच्चों लोकसभा और राज्यसभा की सीटिंग में केग पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकंड स्टेटमेंट पूरी तरह गलत हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट, द ज्यूरिडिक्शन ऑफ केग इज को एक्सटेंसिव विद पावर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। भाई इन्होंने क्या बोला, केग का क्षेत्राधिकार संघ सरकार की शक्तियों के साथ सहव्यापक है। भाई ऐसी बात नहीं है, केग तो स्टेट गवर्नमेंट की भी जांच कर सकता है। अगर स्टेट में कोई घपला हुआ है या स्टेट में फंड का आवंटन किया गया है और केग के सामने जब कोई वित्त अनियमितता आती है तो वो उसकी भी जांच कर सकता है। तो बच्चों थर्ड स्टेटमेंट भी पूरी तरह क्या रहती है, गलत रहती है। अब बच्चों इन्होंने नीचे दिया गया है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। भाई इन्होंने क्या बोला, करेक्ट। अगर ये यहां पे नोट करेक्ट बोलते तो हमारा आंसर क्या रहता, 2 और 3, यानी कि 2 और 3 आंसर हो जाता बी। लेकिन इन्होंने बोला करेक्ट कौन सा है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा बच्चों, ए। यानी कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर थोड़ी सी चेंज की जाए और नेक्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाए तो हो सकता है वो नोट करेक्ट पूछ ले। नोट करेक्ट पूछ लिया तो 2 हमारी गलत रहेगी और 1 हमारी सही रहेगी। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बच्चों एनडीए 2016 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। भाई अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संदर्भ में कौन सी चीजें सत्य है, और ये क्या दिया गया, नीचे स्टेटमेंट दी गई है, 3 स्टेटमेंट दी गई है। अब इन्होंने पूछा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। अब बच्चों इस बात का ध्यान रखना है कि इन्होंने करेक्ट पूछा है, और अगर ये नोट करेक्ट पूछते तो नोट करेक्ट का मतलब कुछ और होता, यानी कि चीजें चेंज हो जाती। लेकिन जब इन्होंने करेक्ट पूछा है तो हमें करेक्ट देखना है कि करेक्ट क्या होगा। पहली स्टेटमेंट, ए पर्सन अबव द एज ऑफ 35 ईयर इज एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि भाई कोई भी पर्सन हो वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन उसकी एज कितनी होनी चाहिए, 35 ईयर प्लस होनी चाहिए, यानी कि 35 साल की आयु उसकी होनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है बच्चों, 35 साल की एज का व्यक्ति ही प्रेसिडेंट के लिए नामांकन कर सकता है, इलेक्शन का फॉर्म भर सकता है। दूसरा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन फॉर मोर देन 1 टर्म। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक कार्यकाल के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र है। बच्चों ये बड़ी अलग टाइप की स्टेटमेंट है, और वैसे ये स्टेटमेंट राइट रहेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये स्टेटमेंट राइट है। भारत का राष्ट्रपति एक टाइम भी बन सकता है, दूसरे टाइम भी बन सकता है, और तीसरे टाइम भी बन सकता है। एक्चुअल में बच्चों इस स्टेटमेंट से रिलेटेड बड़ी एक रोचक कहानी है जो मैं आपको बता रहा हूं। एक बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच दे रहे थे, और स्पीच देते देते उन्होंने कह दिया कि भारत का राष्ट्रपति इतना पावरफुल है कि अगर वो कैबिनेट की बात यानी कि प्रधानमंत्री की बात को नकार दे, ना माने, तो भी उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, यानी कि वो माने तो माने, ना माने तो ना माने। और बच्चों इस वाक्य से पूरी जो लोकसभा थी, यानी कि जो बाय द इलेक्शन हो रहे था, बाय द पीपल हो रहा था इलेक्शन, और प्रधानमंत्री की जो पावर थी उसके ऊपर ही क्वेश्चन लग गया कि क्या भाई राष्ट्रपति ही भारत का कर्ता धरता है। और बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने का प्लान बनाया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके सीधा संविधान में यह लिख दिया जाए कि भारत का राष्ट्रपति जो रहेगा वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अकॉर्डिंग ही काम करेगा, और उसको सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद रहेगी। अब बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर झुक गए इस मामले में, और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, निकाला गया दूसरा मतलब। तो उसकी वजह से फिर इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हुआ और कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी नहीं हुआ। तो बच्चों भारत का जो प्रेसिडेंट होता है वो री इलेक्टेड हो सकता है, जिस प्रकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बने, और भी बहुत से लोग थे जिन्होंने 2-2 बार राष्ट्रपति प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए नामांकन किया और वो जीते भी बने भी। तो बच्चों एक से अधिक बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है, तो दूसरी स्टेटमेंट भी हमारी राइट रहेगी। अब थर्ड स्टेटमेंट में चलते हैं, ए पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इफ द पर्सन होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट।
देखो बच्चों, इन्होंने क्या बोला, कोई भी व्यक्ति अगर कोई लाभ का पद धारण करता है, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति है और वो भारत के राष्ट्रपति होने के साथ साथ किसी और प्रॉफिट का पद धारण करता है, यानी कि किसी और जॉब में भी है या उसका कोई और काम भी है जिसमें वो नौकरी करता है, तो वो राष्ट्रपति का पद धारण नहीं कर सकता या फिर उसे वो काम छोड़ना पड़ेगा। तो बच्चों तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या रहती है, पूरी तरह राइट रहती है। अब इसका आंसर देखते हैं, तो बच्चों ए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें एक और दो दिया गया है, बी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो तीनों स्टेटमेंट राइट है, इसलिए हमारा आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। अगली बार बच्चों हो सकता है कि इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके आपसे पूछ लिया जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी बच्चों एनडीए 2016 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। द सिटीजन ऑफ इंडिया डू नॉट हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स, कि भाई भारत के सिटीजन के पास कौन से फंडामेंटल राइट्स नहीं है, मतलब कौन से फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो डू नॉट हैव कि नहीं है। अब देखो, मौलिक अधिकार होता है फंडामेंटल राइट्स बच्चों, और मौलिक अधिकार की जब बात करोगे तो मौलिक अधिकार में एक खास बात यह है कि मौलिक अधिकार राइट टू फंडामेंटल आर्टिकल 12 से स्टार्ट होकर आर्टिकल 35 तक चलते हैं, और बच्चों इसी में एक आर्टिकल है 32, आर्टिकल नंबर 32, जिसको रिट डालने की अधिकारिकता कहते हैं। अब बच्चों रिट डलती है 5 टाइप की, यानी कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हो, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तो यह तक बोल दिया था कि आर्टिकल 32 जो है वो संविधान की आत्मा है, और आर्टिकल 32 के बिना संविधान निरर्थक है, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट को सुरक्षा नहीं दी तो फंडामेंटल राइट देने का ही क्या मतलब। इसलिए बच्चों आर्टिकल 32 संविधान की आत्मा है, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का मेन आधार है। अब इसके ऊपर बात करते हैं, राइट टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भाई भारत के किसी भी हिस्से में रहने और बसने का अधिकार बिल्कुल है बच्चों, यानी कि जो भारत का नागरिक होगा वो भारत के 32,87,263 वर्ग किलोमीटर की टेरिटरी में जहां चाहे वहां रह सकता है। दूसरा, राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, भाई संपत्ति प्राप्त करने रखने और निपटाने का अधिकार। अब बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, मतलब ये स्टेटमेंट जो दी गई है नंबर 2 स्टेटमेंट, बच्चों जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना तो इसमें एक आर्टिकल था 31, और इस 31 आर्टिकल को लेके बड़ी समस्याएं हुई, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि देश के डेवलपमेंट के लिए बैंकों का अधिग्रहण किया जाए। इंदिरा गांधी की सरकार बनी और बैंकों का बड़े लेवल पे अधिग्रहण किया गया, पीवी प्रस का अनुमूलन किया गया, क्योंकि जो राजाओं की संपत्ति होती थी एक्चुअल में उसको पीवी प्रस बोलते थे, और उस संपत्ति का भी सरकार ने उस संपत्ति को अंडर में लिया और उसके बाद उसको पब्लिक प्रॉपर्टी बनाया। इसी टाइप से बच्चों जब भारत आजाद हुआ तो लोगों के पास बड़ा बड़ा लैंड था, भूमि का पुनर्वितरण भी करना था, लेकिन आर्टिकल 31 में एक सीधी सी बात लिखी हुई थी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, और जब राइट टू प्रॉपर्टी लिखा हुआ था तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो आर्टिकल राइट टू फंडामेंटल में आता था। देखो आर्टिकल 12-35 में आता था, और आर्टिकल 12-35 में है तो इसका मतलब भाई अगर आपकी संपत्ति को गवर्नमेंट ने एक्वायर किया तो आप आर्टिकल 32 के तहत क्या कर दोगे, सुप्रीम कोर्ट में रिट डाल दोगे कि मेरी प्रॉपर्टी जो है मुझे राइट टू फंडामेंटल है, मौलिक अधिकार है संपत्ति रखने का, और मेरी संपत्ति को गवर्नमेंट एक्वायर नहीं कर सकती। तो बच्चों पूरी तरह आर्टिकल 31 को लेकर बहुत सी प्रॉब्लम हुई, और अंत में इंदिरा गांधी की सरकार ने आर्टिकल 31 में संशोधन, बहुत से संशोधन किए, 31A बनाया, 31B बनाया, C बनाया, और उसके बाद अंत में जब जनता पार्टी की सरकार आई बच्चों इमरजेंसी के बाद मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने आर्टिकल 31 को ही गायब कर दिया, और उन्होंने आर्टिकल 31 की जगह एक नया आर्टिकल संविधान में लिख दिया, आर्टिकल 300A, 300 क, संपत्ति का अधिकार।
अब बच्चों आर्टिकल 300 है, नंबरिंग में ये 300 आ रहा है, और 300 आ रहा है इसका मतलब ये राइट टू फंडामेंटल नहीं है, और राइट टू फंडामेंटल नहीं है तो गवर्नमेंट समाज को डेवलपमेंट करने के लिए आपकी प्रॉपर्टी का क्या कर सकती है, आपकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है, यानी कि उसको ले सकती है। तो अब ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो बच्चों संपत्ति प्राप्त करने, रखने और निपटाने का अधिकार इसमें क्या रहेगा, आपका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। इसके बाद दूसरा देखते हैं, किसी भी पैसे को किसी भी पैसे को अभ्यास करने का अधिकार, यानी कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। भाई आप जो मन करे वो काम करो, लेकिन बच्चों इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस है, युक्तियुक्त निर्बंधन लगे हुए हैं। भाई किसी भी पैसे का मतलब ये नहीं है कि आप ड्रग्स का व्यापार करोगे, किसी भी चीज का मतलब ये नहीं है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स का व्यापार करोगे। आपने तो कह दिया कि भाई मुझे राइट टू प्रैक्टिस है एनी प्रोफेशन, मैं जो चाहूं वो प्रोफेशन करूं और ये मेरा मूल अधिकार है। लेकिन बच्चों अगर कोई काम समाज के खिलाफ है, सोसाइटी के खिलाफ है, तो वो काम आप राइट टू फंडामेंटल के अकॉर्डिंग भी नहीं कर सकते। तो बच्चों यानी कि आप ऐसा किसी प्रोफेशन को नहीं अपना सकते जो ड्रग से रिलेटेड है, लिकर से रिलेटेड है, तो गवर्नमेंट जिसकी परमिशन देगी वही प्रोफेशन आप अपना सकते हो। दूसरा बच्चों सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, यानी कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बिल्कुल है। तो बच्चों एक दो तीन, यानी कि ए सी डी, ये आपका पूरी तरह राइट रहेगा और बी जो रहेगा इसमें गलत रहेगा। तो बच्चों इन्होंने क्या पूछा, इन्होंने नोट है पूछा, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हो सकता है अगली बार बच्चों इसी क्वेश्चन को रिपीट किया जाए, ये आपको ध्यान रखना है, और वो पूछ ले कि राइट कौन से, और नीचे एक दो तीन, एक दो, एक दो तीन चार, या फिर ओनली वन, ऐसा भी दिया जा सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, ये भी हमारा एनडीए 2016 सेकंड से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और बच्चों दूसरा इन्होंने ये देखो, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबो इज आर करेक्ट, भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अब इन्होंने अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात की है बच्चों, तो करेक्ट स्टेटमेंट हमें देखनी है, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द पार्लियामेंट एज ए पार्लियामेंट्री प्रिविलेज इज प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई जो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा या विधान परिषद या विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, वो बच्चों उसकी बाउंड्री के अंदर जो भी लैंग्वेज यूज कर ले उसके लिए उन्हें खास अधिकार होते हैं, खास प्रोटेक्शन मिली होती है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। अगर वो अंदर खड़े खड़े आपको गाली भी निकाल दे तो भी आप उनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पार्लियामेंट के अंदर क्या मिला हुआ है, खास प्रोटेक्शन मिला हुआ है। बच्चों दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज वेस्टेड द पावर टू आर्मेड द कॉन्स्टिट्यूशन इन द पार्लियामेंट। भाई देखो संविधान ने संविधान को सशस्त्र करने की शक्ति संसद में निहित की है, बिल्कुल की है, यानी कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा, सी। दोनों स्टेटमेंट क्या है बच्चों, करेक्ट है। और अगली बार नोट करेक्ट आए तो आपको क्या कर देना है, डी, नाइदर वन और नोर, दोनों ही नहीं है, यानी कि इस बार राइट आंसर क्या रहेगा आपका, बोथ वन और टू। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये भी बच्चों एनडीए 2016 सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, यानी कि एनडीए 2016 के सेकंड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनियन एग्जीक्यूटिव इन इंडिया इज करेक्ट। भाई इन्होंने क्या पूछ लिया कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं तो करेक्ट देखते हैं। अब पहली स्टेटमेंट हम ले रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन नॉट एग्जीड 20% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। भाई ये जो 20% आया ना ये पूरी तरह गलत है,
यहां पे कितना रहेगा 15% रहेगा, 15% तक जो पीपल्स होते हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है, और 15% से ऊपर अगर संख्या गई तो वो मंत्री नहीं बन सकता। अब मान लो किसी विधानसभा में 150 मेंबर है, 150 मेंबर है, तो 150 मेंबर्स का आप निकाल लीजिए 15% कितना बनेगा, 15 और 7 22, यानी कि 22 को मंत्री बनाया जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं। अब बच्चों दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, यानी कि ये तो हमारी गलत है पूरी तरह। द रैंक ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर इज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट, भाई बिल्कुल पूरी तरह गलत स्टेटमेंट। मंत्रियों का रैंक राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये तो कैबिनेट को निर्णय लेना होता है कि कौन कौन से मंत्री को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा या किस व्यक्ति को कौन सा डिपार्टमेंट दिया जाएगा। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी पूरी तरह क्या रहेगी, गलत रहेगी। द मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बच्चों मैंने बताया था अभी पीछे जो क्वेश्चन आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेके, और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। अब देखो इन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट मंत्री को अपॉइंट करेगा, लेकिन किसकी सलाह के ऊपर, प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर। तो ये बिल्कुल राइट है बच्चों, प्रधानमंत्री की सलाह से ही किसी व्यक्ति को मिनिस्टर अपॉइंट किया जा सकता है। तो आपकी सी स्टेटमेंट राइट रहेगी, लेकिन डी भी देखते हैं क्या दे रखा है। ओनली ए मेंबर ऑफ ईदर हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन बी अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। भाई इन्होंने क्या बोला, सदन के किसी भी सदस्य, सदन के किसी भी, संसद के किसी भी सदन के सदस्य को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है, भाई ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बच्चों हमारा कौन सा स्टेटमेंट राइट रहेगा, हमारा सिर्फ और सिर्फ सी स्टेटमेंट राइट रहेगा, जिसको हमें राइट आंसर क्लिक करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों, और इसकी बात करें तो ये भी बच्चों एनडीए 2016 सेकंड से रिलेटेड है, यानी कि एनडीए 2016 के सेकंड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मनी बिल इज आर करेक्ट। भाई मनी बिल क्या होता है, पहले ये देखो मनी बिल क्या होता है बच्चों। मनी बिल वो है जिसको आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग, यानी कि आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग जिसको वेरीफाई कर दिया गया हो, वो मनी बिल है 110 के अकॉर्डिंग। या फिर आप सीधा सिंपल समझ सकते हो बच्चों कि जिसमें किसी भी पैसे को, यानी कि टैक्स को घटाने बढ़ाने, नया टैक्स लगाने या किसी टैक्स को खत्म करने की बात हो रही है, वो सीधा सा क्या है, मनी बिल है। अब बच्चों इससे रिलेटेड स्टेटमेंट हम देखते हैं। ए बिल शैल बी डिमिटेड टू ए मनी बिल ओनली If it provided for the imposition of fines or penalties, किसी विधेयक को तभी धन विधेयक माना जाएगा जब उसमें जुर्माना या जुर्माना लगाने का प्रावधान हो। बताया बच्चों मैंने, यानी कि कोई नया टैक्स लगाना, नया टैक्स खत्म करना, पुराना टैक्स खत्म करना या किसी पुराने टैक्स में और ज्यादा बढ़ोतरी करना, तो वो क्या रहेगा, मनी बिल रहेगा। लेकिन बच्चों इन्होंने पूछा क्या है, ये ध्यान रखना, हम पहले इसका ही देख लेते हैं कि इन्होंने क्या पूछा है। इन्होंने पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, धन विधेयक के विषय में बिल इज करेक्ट, कौन सा कथन सही नहीं है, इज नॉट करेक्ट। अब देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट, पहला तो करेक्ट है, ए मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड इन द राज्यसभा। भाई राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है, नहीं, एक धन विधेयक राज्यसभा में पेश किया जाएगा। भाई बच्चों अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो जो धन विधेयक होता है उसको चाहे तो पेश राज्यसभा में करो चाहे लोकसभा में करो, लेकिन एक खास बात यह है कि उस बिल को राज्यसभा रोक नहीं सकती, बिल्कुल नहीं रोक सकती उस बिल को। राज्यसभा के पास यह होता है कि वो 15 दिन तक बिल में रोड़ा अटका के रख सकती है और ऑटोमेटिकली 15 दिन के बाद बिल को पास ही समझा जाता है, यानी कि लोकसभा इसमें पावरफुल रहती है। दूसरा अगली स्टेटमेंट देखते हैं, द राज्यसभा कैन रिजेक्ट द मनी बिल। भाई राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकार कर सकती है,
नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया राज्यसभा धन विधेयक को ऐसे स्वीकार नहीं कर सकती, और जो मनी बिल होगा लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं किया जाएगा। यानी कि हमारी एक और दो स्टेटमेंट पूरी, मतलब बी और सी स्टेटमेंट पूरी तरह गलत है। तीसरे अगली स्टेटमेंट को देखते हैं। द स्पीकर ऑफ द शुड एनी सभा फाइनली डिसाइडेड इफ इट ए मनी बिल शुड एनी डिस्प्यूट अबाउट इट्स अराइज। यदि किसी सभा का अध्यक्ष अंततः यह निर्णय करता है कि धन विधेयक है तो इसके बारे में कोई विवाद उत्पन्न होने पर उसे दूर करे। भाई पहली बात तो उसके ऊपर विवाद ही नहीं होता, डिस्प्यूट होता ही नहीं, और दूर करने की तो बात ही नहीं है। यानी कि हमारा राइट जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा बच्चों, इसमें डी रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर डिस्प्यूट हो ही नहीं सकता, मनी बिल के ऊपर डिस्प्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि मनी बिल के ऊपर पहले ही राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है या फिर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसके ऊपर लिख देता है मनी बिल, तो उसके ऊपर डिस्प्यूट है ही नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज कोडिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ। एनडीए 2016 सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों, कि देखो भारत के प्रधानमंत्री की निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति भारत के संविधान में ही संहिताबद्ध है। बिल्कुल, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। द पावर ऑफ एडवाइजिंग द प्रेसिडेंट इज रिगार्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर मिनिस्टर। भाई पहली स्टेटमेंट को जब हम लेते हैं तो बच्चों क्या है कि प्रधानमंत्री के पास ये पावर होती है कि वो मिनिस्टरों को अपॉइंट करता है, और मिनिस्टरों को अपॉइंट करने के लिए अपनी सलाह किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है, और राष्ट्रपति अंतिम उस पर सिग्नेचर करके उनको अपॉइंट कर देता है। तो बच्चों पहली स्टेटमेंट पूरी तरह राइट रहेगी। इसके बाद देखते हैं, द पावर टू एलोकेट बिजनेस अमंग्स द मिनिस्टर। भाई मंत्रियों के बीच व्यापार आवंटित करने की शक्ति। अब बच्चों प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या पूछा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या मंत्रियों के बीच व्यापार आवंटित करने की भी शक्ति इनके बीच, इनके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है? तो बच्चों ये निर्णय असल में व्यापार से रिलेटेड नहीं होता। ये निर्णय असल में अगर बात की जाए तो असल में प्रधानमंत्री क्या करता है, मंत्रियों को उनके विभाग अपॉइंट करता है, व्यापार नहीं अपॉइंट करता। यहां पे बिजनेस दे रखा है, यानी कि उनको उनके विभाग डिपार्टमेंट अपॉइंट करेगा, बिजनेस अपॉइंट नहीं करेगा, तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरे की बात करते हैं, कैबिनेट की बैठक बुलाने की शक्ति। भाई ये तो प्रधानमंत्री के पास है, कैबिनेट की बैठक बुला सकता है। एक विभाग से दूसरे विभाग में मंत्री के स्थानांतरण की शक्ति, ये भी है, एक विभाग से दूसरे विभाग में मंत्रियों का स्थानांतरण भी कर सकता है। मंत्रियों के बीच, यहां व्यापार को हटा के अगर विभाग किया जाए तो यह स्टेटमेंट भी राइट रहती है। अब इन्होंने बच्चों पूछा क्या था यह देख लेते हैं कि कौन सी शक्ति भारत के संविधान में ही संहिताबद्ध है। तो भारत के संविधान में ये तीन शक्ति संहिताबद्ध नहीं है, लेकिन एक शक्ति ऊपर वाली संहिताबद्ध है कि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। तो एक तो संहिताबद्ध है, लेकिन ये तीन कॉन्स्टिट्यूशन में संहिताबद्ध नहीं है, लेकिन ये शक्ति प्रधानमंत्री को रहती है। तो बच्चों आज के हमारे एनडीए 2016 के ये क्वेश्चन थे, और एनडीए 2016 के क्वेश्चन 1x1 हमने किए। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे से करो और इनकी राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट को देखो कि वो राइट क्यों हो रही है, रॉन्ग क्यों हो रही है, और उसके पीछे रीजन क्या है। जब बच्चों आप इनको अच्छे से देखोगे क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट टाइम जो एग्जाम आने वाला है उसमें आप इन्हीं क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन देखोगे कि कहीं ना कहीं उन स्टेटमेंट से मिलती जुलती स्टेटमेंट दोबारा से रिपीट की गई है। क्योंकि बच्चों होता क्या है कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज कर दिया जाता है। अब भाई जितना सिलेबस है उससे बाहर का तो आएगा नहीं, और सिलेबस से क्वेश्चन इन्होंने पूछ ही रखे हैं, तो अब क्या करेगा? अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा, नए टाइप से क्वेश्चन को बना के पूछेगा। इसलिए जो PYQ कर रहे हैं हम, इस एक PYQ से आपके 40 से 50 क्वेश्चन निकलते हैं, और अगर आप इनको सही से करोगे तो बच्चों पॉलिटी में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आपको क्या करना है, इस PYQ को अच्छे से करना है। आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।